पाकिस्तानी तारीख की 10 सबसे महंगी कारें 10 मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स इन पाकिस्तान हिस्ट्री। नंबर 10 मर्सिडीज AMG GT प्राइस 8.5 करोड़ रुपीस। टॉक शो के प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान की सबसे महंगी कारों की लिस्ट में नंबर 10 पर पाकिस्तान की वाहिद मर्सिडीज AMG GT आती है। 2017 के आखिर में पाकिस्तान पहुंचने वाली इस मर्सिडीज की सुपर स्पोर्ट्स कार ने पाकिस्तान में मौजूद मोटर स्पोर्ट्स के दीवानों में एक नई जान फूंक दी थी। अपने पावरफुल टर्बो चार्ज्ड V8 इंजन के साथ इस कार की टॉप स्पीड 317 किलोमीटर फी घंटा है। ये एक कूपे कैटेगरी की कार है, जिसका मतलब ये हुआ कि इसमें सिर्फ 2 सीट्स हैं। इस कार के तेज होने का अंदाजा इस बात से लगा लें कि ये कार 0 से 100 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड तक सिर्फ 4 सेकंड में पहुंचती है। पाकिस्तान पहुंचने वाला मर्सिडीज AMG GT का ये मॉडल 2015 का है। नंबर 9 बेंटले मुल्सान, कीमत 9 करोड़ रुपए। दोस्तों, हमारी लिस्ट पर नंबर 9 पर बेंटले कंपनी की मुल्सान कार आती है, जो कि एक लग्जरी कार है। ये गाड़ी लाहौर के मशहूर कारों के शोरूम कार क्लब के मालिक तहीम मजीद ने 2016 में इंपोर्ट की थी। ये कार शायद पाकिस्तान की सबसे ज्यादा लग्जरी कार हो। इस कार में मौजूद तमाम सीट्स इलेक्ट्रॉनिक हैं और बटन दबाने से आप इनको आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके अलावा इस कार की तमाम सीटों में मसाजर भी लगा हुआ है। बेंटले की इस कार में बैठकर आपको ऐसा ही लगेगा कि आप दुनिया के वाहिद 7-स्टार होटल बुर्जुल अरब की लग्जरी को 4 पहियों पर एंजॉय कर रहे हैं। इस कार की तमाम सीट्स के साथ वायरलेस हेडफोन्स भी आते हैं। कार की पिछली सीट पर आपको एक जबरदस्त रिमोट भी मिलता है, जिससे आप पूरी कार का सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये सब आपको कम लग रहा हो तो गाड़ी की पिछली दोनों सीटों के दरमियान एक फ्रिज भी मौजूद है। 6.7 लीटर ट्विन टर्बो इंजन के साथ ये कार 510 हॉर्स पावर रखती है, जो इसे बहुत सी स्पोर्ट्स कार से भी ज्यादा तेज बनाता है। नंबर 8 ODR8। दोस्तों, पाकिस्तान की सड़कों पर आप रोज ही ऑडी की कार्स देखते होंगे। ऑडी ने पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान में काफी अच्छी मार्केट बना ली है। हमारी लिस्ट पर नंबर 8 पर ODR8 कार आती है, जो कि एक सुपर स्पोर्ट्स कार है। पाकिस्तान में इस वक्त 3 ODR8 मौजूद हैं, जिनमें से हमजा मलिक की खरीदी हुई ODR8 बहुत ज्यादा मशहूर है। ये कार बाहर से इम्पोर्ट नहीं हुई, बल्कि ये पाकिस्तान से ही ऑडी की डीलरशिप से खरीदी गई थी। इस तरह ये पाकिस्तान में खरीदी जाने वाली सबसे महंगी कार बन जाती है। ODR8 540 हॉर्स पावर रखती है और 0 से 100 तक सिर्फ 3.5 सेकंड में जाती है। इसको खरीदने वाले को शायद ये 540 हॉर्स पावर भी कम लगी हो, इसलिए उन्होंने इसमें सुपर चार्जर लगवाया और दूसरी भी बहुत सी मॉडिफिकेशंस की थी। ये कार अब 800 हॉर्स पावर पैदा करती है और पाकिस्तान की तेज तरीन कारों में से एक है। नंबर 7 लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर, कीमत 12 करोड़ रुपए। दोस्तों, फैसलाबाद की इस मशहूर लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर को पाकिस्तान की सबसे मशहूर स्पोर्ट्स कार कहा जाए तो गलत ना होगा। 2013 में फैसलाबाद के एक बड़े बिजनेसमैन ने इस कार को इस वक्त इंपोर्ट किया जब कोई इतनी महंगी कारें पाकिस्तान लाने को सोच भी नहीं सकता था। सबसे अच्छी बात यह है कि इस कार को पाकिस्तान की सड़कों पर भागता देखकर दूसरे लोगों को भी हिम्मत मिली कि दुनिया की महंगी तरीन कारें पाकिस्तान लेकर आए। पासबान वालों की ये लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर V6 या V8 नहीं, बल्कि V12 इंजन रखती है। 700 हॉर्स पावर के साथ पासबान ग्रुप की ये अवेंटाडोर 0 से 100 की स्पीड सिर्फ 2.9 सेकंड में करती है। इस कार के मालिक पासबान ग्रुप के हेड मेजर शाहनवाज हैं, जो पाकिस्तान में 20 से ज्यादा लग्जरी और स्पोर्ट्स कार्स रखते हैं। इनके पास इंतहाई खूबसूरत लाल फरारी भी मौजूद है। इसके अलावा इनके गैराज में मर्सिडीज और BMW के कुछ नायाब मॉडल्स भी शामिल हैं। नंबर 6 रोल्स रॉयस रैथ, कीमत 16 करोड़ रुपए। दोस्तों, रोल्स रॉयस कार किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और पाकिस्तान में रोल्स रॉयस की तारीख बहुत पुरानी है। पाकिस्तान का हर एलीट खानदान रोल्स रॉयस कार एक बार जरूर खरीदता है। पाकिस्तान में रोल्स रॉयस कार के मालिकों में बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज और जंग जियो ग्रुप के मालिक मीर शकीरुल रहमान भी शामिल हैं, मगर इन सब की रोल्स रॉयसें बहुत पुरानी हैं। पाकिस्तान के खूबसूरत शहर इस्लामाबाद में मौजूद रोल्स रॉयस रैथ पाकिस्तान की वाहिद रोल्स रॉयस रैथ है और 16 करोड़ की कीमत के साथ हमारी लिस्ट पर 6 नंबर पर आती है। इस्लामाबाद में मौजूद ये मॉडल 2016 का है, जिसे 2017 में इस्लामाबाद के एक प्रॉपर्टी टाइकोन ने इम्पोर्ट किया। नंबर 5 लैम्बोर्गिनी हुराकान स्पाइडर, कीमत 17 करोड़ रुपए। दोस्तों, हमारी लिस्ट पर नंबर 5 पर मौजूद लैम्बोर्गिनी हुराकान अगस्त 2020 में पाकिस्तान पहुंची है और पाकिस्तान की लेटेस्ट स्पोर्ट्स कार है। इसकी डिटेल में जाने से पहले, अगर आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ये बटन को दबाकर और बेल के आइकन पर क्लिक करके टॉक शॉक की फैमिली का हिस्सा जरूर बने। पाकिस्तान में टोटल 5 लैम्बोर्गिनी कारें मौजूद हैं और ये पाकिस्तान की वाहिद लैम्बोर्गिनी हुराकान स्पाइडर है। दोस्तों, स्पाइडर का मतलब ये है कि सिर्फ एक बटन दबाने से इसकी छत उठकर फोल्ड हो जाती है। लाहौर पहुंचने वाली इस
बुरा कान का बहुत चर्चा है और हर मोटर स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट इसे करीब से देखने को मचल रहा है। उम्मीद करते हैं कि इसके ओनर इसे पार्क व्हील्स के अगले शो में जरूर लेकर आएंगे और शो की शान बनाएंगे। इस महीने लाहौर पहुंचने वाला ये मॉडल 2017 का है और इसकी कीमत ड्यूटी और टैक्स डालकर 17 करोड़ रुपए के लगभग बन जाती है। नंबर 4 फरारी 488 कीमत 19 करोड़ रुपए। दोस्तों 2018 में पाकिस्तान की स्पोर्ट्स कार्स कम्युनिटी में एक जलजला आया जब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैलने लगी जिनमें देखा जा सकता था कि एक मैक्लेरन और एक फरारी 488 को कंटेनर में डाल दिया गया है। लिखने वाले ने ये भी लिखा था कि दोनों कारें पाकिस्तान आ रही हैं और एक ही आदमी ने खरीदी हैं। पहली बार में देखने को तो ये एक झूठी खबर लगी थी मगर हम पर हैरत के पहाड़ तब टूटे जब ये दोनों कारें सचमुच इस्लामाबाद पहुंच गईं। फरारी का ये 488 मॉडल इस वजह से खास है क्योंकि ये पाकिस्तान की वाहिद फरारी 488 है और इस पर लिबर्टी वॉक बॉडी किट लगी है। इस कार के मालिक के पास 10 से ज्यादा नायाब और महंगी कारें मौजूद हैं और अच्छी बात ये है कि उन्होंने इन कारों को गैराज में डेकोरेशन पीस बनाकर नहीं रखा बल्कि उन्होंने पाकिस्तान पहुंचते ही सब कारों को एक लाइन में निकाला और फिर लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे से होते हुए लाहौर पहुंचे। ये कार आज भी इस्लामाबाद में मौजूद है और लेट नाइट बहरिया टाउन इस्लामाबाद में दनदनाती हुई नजर भी आती है। नंबर 3 मैक्लेरन 650S कीमत 22 करोड़ रुपए। दोस्तों पाकिस्तान की सबसे जबरदस्त कारों की लिस्ट पर नंबर 3 पर कोई कार नहीं बल्कि एक स्पेसशिप आता है। नंबर 3 पर मौजूद मैक्लेरन की इस कार को अगर पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत कार कहा जाए तो गलत ना होगा। पाकिस्तान में बहुत सी स्पोर्ट्स कारें हैं मगर इस जैसी शायद कोई नहीं। ये पाकिस्तान की वाहिद मैक्लेरन कार है। इस कार की खासियत ये है कि इसको खरीदने वाले ने इसको खरीद कर इस पर लिबर्टी वॉक बॉडी किट भी लगवाई है जिससे इसकी खूबसूरती को 4 नहीं बल्कि 12 चांद लग गए हैं। 650 हॉर्स पावर के साथ ये कार 0 से 100 महज 2.3 सेकंड में करती है। इस कार के मालिक की अच्छी बात ये है कि उन्होंने इस कार को पूरे पाकिस्तान की सैर करा डाली है। मैक्लेरन 650 अगर दोनों दरवाजे खोलकर खड़ी हो तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई परी उड़ने से पहले अपने पर खोल रही हो। उम्मीद करते हैं कि ये कार अपने नए मालिक के लिए बहुत मुबारक होगी क्योंकि अब ये कराची पहुंच चुकी है। नंबर 2 गोल्ड लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर एस कीमत 25 करोड़ रुपए। दोस्तों हमारी लिस्ट पर नंबर 2 पर पाकिस्तान की मशहूर गोल्डन लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर एस आती है। इस कार का असल कलर व्हाइट है। ये कार इटली में मौजूद लैम्बोर्गिनी की फैक्ट्री से खरीदी गई जहां आउटर पे इसका सारा इंटीरियर इसके मालिक KMK के नाम से डिजाइन किया गया। इसके बाद ये दुबई पहुंची जहां इसे 18 कैरेट गोल्ड फॉइल में रैप किया गया। जब ये कार पाकिस्तान पहुंची तो इसकी धूमें सोशल मीडिया के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी थी। 2018 में ये कार पाकिस्तान पहुंचकर 18 करोड़ रुपए की बनी थी जिसमें से 10 करोड़ रुपया सिर्फ टैक्स था। आज की तारीख में इसकी कीमत 25 करोड़ रुपए से ज्यादा है। नंबर 1 दोस्तों पाकिस्तान की सबसे महंगी कारों की लिस्ट पर नंबर 1 पर एक बार फिर कुंवर मुइज खान छप्पर बाजी ले गए हैं। नंबर 1 पर इनकी मर्सिडीज ब्राबस आती है जो कि एक 6x6 कार है। ब्राबस ने पूरी दुनिया के लिए ये सिर्फ 4 G63 700 के मॉडल तैयार किए थे जिनमें से एक कुंवर मुइज खान पाकिस्तान ले आए। इस कार की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत $2 मिलियन थी और पाकिस्तान पहुंचकर हमारे 400% ड्यूटी और टैक्स लगने के बाद ये 60 करोड़ रुपए से ज्यादा बनता है। दोस्तों टॉक शॉक की आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर WhatsApp और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें।